हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रीक्योर में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्री लिम से रिलेटेड करंट अफेयर्स ऑफ द लास्ट वीक ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, सो इंडेक्स में हम देखेंगे जो जो टॉपिक्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। पहला है CMS COP 13 से रिलेटेड। अब अगर हम CMS की बात करें, इट इज़ अ कन्वेंशन। किस चीज़ की कन्वेंशन है? कन्वेंशन ऑन द कॉन्जर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, अब ये जो कन्वेंशन है ये कहती है कि जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि कोई भी माइग्रेटरी स्पीशीज़ आ रही हैं रशिया से इंडिया, क्योंकि रशिया में विंटर्स में हार्श कंडीशंस होते हैं, सो द बर्ड्स दे माइग्रेट टूवर्ड्स द बेटर वार्मर पास्चर्स। ठीक है, लेट्स से इंडिया में आ रही हैं, तो अब वो जहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं, जहाँ पे आ रही हैं और जो जिस जगह से वो क्रॉस कर रही हैं, उसको क्रॉस करके आ रही हैं, ये कन्वेंशन कहती है कि हर एक जगह पे दे शुड बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटस ऑफ द स्पीशीज़। ठीक है, अब इंडिया क्या है? इंडिया पहली बार कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होस्ट कर रहा है ऑफ CMS। ठीक है, पहली बार हो रही है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ ऑफ CMS इन इंडिया। इट इज़ द 13th वन। 3 सालों में एक बार होती है, तो इससे पिछली 3 साल पहले हुई होगी 2017 में फिलीपींस में, मनीला इन फिलीपींस में हुई थी 2017 में। अब 2020 में हो रही है 13वीं। ठीक है, और इंडिया पहली बार कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है? गांधीनगर इन गुजरात में इन फेब्रुअरी। ठीक है, अब ये जो CMS है, ठीक है, ये एक इन्वायरमेंटल ट्रीटी है अंडर UNEP। ठीक है, और इस साल को ना 2020 को जो यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है, इन्होंने डिक्लेयर किया है इसे द सुपर ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि इस साल बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसमें कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की बात की जाएगी। ठीक है, सो इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ सुपर ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इंडिया मार्क्स द बिगनिंग ऑफ दिस सुपर ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद द होस्टिंग ऑफ द 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ CMS। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है अगर हम थीम, ठीक है, क्योंकि इंडिया होस्ट कर रहा है, पहली बार होस्ट कर रहा है, इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द सुपर ईयर, तो आपको पता होना चाहिए थीम। थीम क्या है? माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड वी वेलकम देम होम। इसको थीम को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स में कभी कभी थीम ही पूछ ली जाती है। ठीक है, उसके बाद लोगो। लोगो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी। इट इज़ इंस्पायर्ड बाय कोलम। कोलम इज़ अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म फ्रॉम सदरन इंडिया, और वो जो लोगो है उसमें आपको कोलम आर्ट फॉर्म दिखता है। ठीक है, एंड इट इज़ डिपिक्टिंग की माइग्रेटरी स्पीशीज़ इन इंडिया लाइक अमूर फाल्कन, हमबैक वेल एंड मेरीन टर्टल्स। ठीक है, इसको डिपिक्ट कर रही है कोलम आर्ट फॉर्म। राइट, मैस्किट की बात करें, मैस्किट क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑल्सो नोन एज किपी। ठीक है, और इट इज़ अ, अगर हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, IUCN स्टेटस और स्केड्यूल 1 स्पीशीज है। ठीक है, सो लाइक आई सेड, दिस इज़ द कोलम आर्ट फॉर्म। ठीक है, जिसमें आपको अमूर फाल्कन, हमबैक वेल्स और टर्टल्स दिखते हैं। ठीक है, इस लोगों में इट इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम कोलम आर्ट फॉर्म एंड दिस इज़ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विच इज़ द मैस्किट। राइट, ओके, देन CMS के बारे में बात करें, बॉर्न कन्वेंशन भी कहा जाता है, और इसमें हम जो स्पीशीज़ हैं उनको दो अपेंडिसेस में डिवाइड करते हैं। अपेंडिक्स 1 में ज़्यादा जो थ्रेटेंड है स्पीशीज़ जो थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन वो आती हैं, और अपेंडिक्स 2 में वो स्पीशीज़ आती हैं जिनको अगर हम यू नो कंजर्वेशन में, जिसके अगर हम उनके कंजर्वेशन में एफर्ट्स करेंगे सो दे विल बी हाईली बेनिफिटेड। ठीक है, तो अपेंडिक्स 2 में वो वाली स्पीशीज़ आती है, लेकिन द वंस विच आर थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन कम इन अपेंडिक्स 1। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें CMS की बात करें तो CMS जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज बॉर्न कन्वेंशन। ठीक है, इट केम इन टू बींग इन 1983। उसके बाद इसकी 129 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन मेंबर है। ठीक है, इंडिया इज़ ऑल्सो सिग्नेटरी एंड इंडिया हैज़ साइंड नॉन लीगली बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद CMS ऑन द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ साइबेरियन क्रेन्स, मेरीन टर्टल्स, डुगोंग्स एंड रिसेंटली रैप्टर्स। आप न्यूज़ में ना कभी पढ़ते होंगे रैप्टर MOU। ठीक है, ना इंडिया इज़ ऑब्वियसली टेम्प्रेरी होम टू सेवरल एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड ये इंपॉर्टेंट वन इंक्लूड्स अमूर फाल्कन्स, कीज, ब्लैक नेक क्रेन्स, मेरीन टर्टल्स, हमबैक्ड वेल्स, जिसमें से मेरीन टर्टल्स, हमबैक्ड वेल्स और अमूर फाल्कन तो लोगों में ही है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है लोगों में क्या डिपिक्ट करता है, लोगों कौन से 3 स्पीशीज़ को डिपिक्ट करता है, और इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी एक बार गूगल कर लीजिए, एक बार देख लीजिए। राइट,
उसके बाद इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट है दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेजर बर्ड फ्लाई वे नेटवर्क विच इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट्रल एशियन फ्लाई वे. ठीक है, विच कवर्स एरियाज बिटवीन द आर्कटिक एंड इंडियन ओशंस एंड कवर्स 279 पॉपुलेशन ऑफ 182 माइग्रेटरी वाटर बर्ड स्पीशीज. ठीक है, सो इंडिया जो है सेंट्रल एशियन फ्लाई वे का भी पार्ट है विच इज़ अ मेजर बर्ड फ्लाई वे नेटवर्क. ठीक है, सो ऑब्वियसली अगर इतनी सारी स्पीशीज क्रॉस करती हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, ठीक है, तो यू नीड टू रियलाइज के इंडिया विल डेफिनेटली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीशीज एंड एन इंपॉर्टेंट रोल एज अ पार्टी टू CMS, राइट. इंडिया हैज ऑल्सो लॉन्च द नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज अंडर द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे. नेक्स्ट भी हमारी एक रिपोर्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड 2020 रिपोर्ट. ठीक है, अब ये जो रिपोर्ट है ये असेस करती है इंडियन बर्ड्स के स्टेटस को. ठीक है, सो इंडिया में इसने असेस किया है अप्रॉक्सीमेटली 867 इंडियन बर्ड्स के स्टेटस को असेस करती है यूजिंग अ मैसिव डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूटेड बाय एटलीस्ट 15,000 बर्ड वॉचर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री. ठीक है, सो इट इज़ असेसिंग द स्टेटस ऑफ बर्ड्स यूजिंग द डेटा फ्रॉम द बर्ड वॉचर्स. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. इट वॉज ऑल्सो रिलीज्ड एट द 13th COP ऑफ CMS. And it used a massive database of 10 million observations which were uploaded by 15,000 bird watchers on an online platform eBird. ठीक है, eBird एक online platform है जहाँ पे bird watchers अपनी information डालते रहते हैं. And citizen science data to assess the distribution and trends of common Indian birds. ठीक है, so it is a assessment in a way by the common bird watchers. ठीक है, सो इट आइडेंटिफाइज स्पीशीज दैट आर हाई इन कंजर्वेशन कंसर्न एंड दोज विच आर डूइंग रिलेटिवली वेल. ठीक है, कि ये आपको ये बता देती है रिपोर्ट कि कौन सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनको कंजर्वेशन की ज़रूरत है ज़्यादा, जिनकी जो पॉपुलेशन है वो डिप्लीट होती जा रही है, और वो स्पीशीज़ जो कि रिलेटिवली स्टेबल हैं दे आर रिलेटिवली डूइंग वेल. ठीक है, अभी ये बताता है कि 48% ऑफ द स्पीशीज़ दे हैव रिमेन स्टेबल या फिर वो इंक्रीज़ कर रही हैं, वेयर एज 79% शो डिक्लाइंस इन द लास्ट 5 ईयर्स. ठीक है, और 101 स्पीशीज़ हैं आउट ऑफ द 800 और सो विच हैव बीन क्लासिफाइड एज हाई कॉन्जर्वेशन कंसर्न. ठीक है, सो ये आपको बेसिकली ये इंफॉर्मेशन देती है. अब हम एक एक करके जो इसमें इंपॉर्टेंट बर्ड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, हाउस स्पैरो. नाउ हाउस स्पैरो has been roughly stable across the country, although it is declining in the major cities. ठीक है, major cities में ज़रूर decline देखने को मिला है, लेकिन अगर हम overall बात करें तो it is roughly stable. Reasons for the suspected decline has been a matter of much speculation, or it is believed to be due to decreasing insect population. ठीक है, क्योंकि जो ये bird है ये directly sparrows feed करती हैं insects को. ठीक है, as well as a paucity of suitable nesting sites. तो ये दो reasons हैं. अभी popular theory कहती है कि radiation from mobile phone towers is something which is responsible for the decline of the house sparrows, but that is not supported by current evidence. ठीक है, तो उसको वो इतना important नहीं मानते हैं इस चीज़ को, rather than उसको negate ही किया है उन्होंने, तो इस report में negate ही किया गया है. मेजरली जो दो रीजंस दिए गए हैं वो ये है कि इंसेक्ट पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है और सूटेबल नेस्टिंग साइट्स कम है. ठीक है, डिस्पाइट द वाइड स्प्रेड नोशन कि हाउस स्पैरो डिक्लाइन कर रही है, जो एनालिसिस है इस रिपोर्ट में वो ये बताता है कि फेयरली स्टेबल रही है पॉपुलेशन ड्यूरिंग द पास्ट 25 ईयर्स. ठीक है, डेटा फ्रॉम द 6 लार्जेस्ट मेट्रो सिटीज डू इंडिकेट अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन देयर अबंडेंस. ठीक है, सो अगर हम बात करें ओवरऑल देश में बात करें तो पॉपुलेशन स्टेबल रही है, लेकिन अगर हम मेजर सिटीज की बात करें जैसे बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली एक्सेट्रा, यहाँ पे पॉपुलेशन जरूर डिक्रीज हुई है. ठीक है, अगर हम IUCN स्टेटस की बात करें तो लीस्ट कंसर्न है. ठीक है, सो विच इज़ अ फेयरली बेटर IUCN स्टेटस इफ वी सी, एंड दिस इज हाउ द हाउस स्पैरो इट लुक्स. ठीक है, नेक्स्ट है पीफाउल. पीफाउल क्या है, प्लेन्स में आपको मिल जाएंगे, हिल्स में मिल जाएंगे, एक्सेप्ट एक्सट्रीमली ड्राई और वेट रीजन्स में नहीं मिलेंगे. मतलब जो एक्सट्रीमली ड्राई रीजन्स हैं, डेजर्ट्स या एक्सट्रीमली वेट रीजन्स हैं, वहाँ आपको नहीं मिलते हैं पीफॉल्स. उसके अलावा आपको हर जगह मिल जाते हैं. अब कहा देखा गया कि इसका जो नंबर है दैट हैज़ बीन इंक्रीजिंग. ठीक है, जो रीजन्स हैं ड्यू टू द बर्ड एक्सपैंडिंग इट्स रेंज. ठीक है, फॉर इंस्टेंस इनटू केरला वेयर इट वाज फॉर्मली एब्सेंट. ठीक है, उसके अलावा एक तो बर्ड खुद ही अपनी रेंज एक्सपैंड कर रहा है, दूसरी चीज़ है कंजर्वेशन एफर्ट्स. ठीक है, ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज पेनल्टीज फॉर पोचिंग एंड पॉइजनिंग्स अंडर Schedule 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ एक्ट. सो इट कम्स अंडर द Schedule 1, राइट. और अगर हम बात करें
क्योंकि हमने बोला एक्सट्रीमली वेट रीजन्स में नहीं मिलता है ये, एक्सट्रीमली ड्राई में नहीं मिलता है. तो केरला वॉज वन ऑफ द एक्सट्रीमली वेट रीजन्स, बट इट इज़ कमिंग अंडर द नॉर्मल रीजन्स क्योंकि वो ओवरऑल ड्राई हो रहा है. सो इस वजह से वो एक्सपैंड हो गया है. सो दिस इज़ हाउ द पी फॉर लुक अगेन लीस्ट कंसर्न है. आई यू सी एन स्टेटस की बात करें, ठीक है, इंडियन वल्चर्स के ऊपर आई हैव डिस्कस्ड अ लॉट, ठीक है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, अब इंडियन वल्चर्स हैव एक्सपीरियंस्ड कैटास्ट्रॉफिक पॉपुलेशन डिक्लाइंस, ठीक है, और रीजंस आपको पता ही है, डिक्लोफेनाक विच इज़ अ नसेट विच इज़ एन एंटी इन्फ्लेमेटरी अ पेन किलर ड्रग, वेटनरी यूज़ के लिए पहले यूज़ होता था, अब बैंड है, लेकिन अभी भी डिस्पाइट द यू नो अल्टरनेटिव्स अवेलेबल फ्रीली डिक्लोफेनाक इज स्टिल यूज्ड. तो इंडियन वल्चर्स जब फीड करते हैं जो भी एनिमल्स हैं उन्होंने डिक्लोफेनाक लिया होगा कभी, और उनकी बॉडी में अगर डिक्लोफेनाक है अभी भी क्योंकि वेटनरी यूज़ में डिक्लोफेनाक कॉमन है, तो जब उनके कैरकेसेस के उन डेड बॉडीज़ पे वल्चर्स फीड करती हैं सो दे कैन नॉट सर्वाइव एंड दे डाई, ठीक है. सो अब इसके लिए वल्चर्स का पॉपुलेशन इज़ डिक्रीजिंग, ठीक है, एंड यू नो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वल्चर्स, वी हैव इंडियन वल्चर्स, वी हैव यू नो इजिप्शियन वल्चर्स, ठीक है, तो वी हैव कवर्ड दैट इन डिटेल इन आर वेरियस प्रीक्योर्स ऑल्सो, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं. और अगर हम बात करें जो सर्वेस है BNHS के और रॉयल सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स के, कि वाइट राम्ड वल्चर हैज सफर्ड द मोस्ट सिवियर डिक्लाइन फॉलोड बाई इंडियन एंड द इजिप्शियन वल्चर, ठीक है, तो हर एक IUCN स्टेटस अलग है. We have covered that. Then we have bustards. ठीक है, bustards इंडिया में चार मिलते हैं, ठीक है, ग्रेट इंडियन, मैक्वींस, लेसर फ्लोरिकन एंड बंगाल फ्लोरिकन. दे हैव ऑल सफर्ड कंटिन्यूस डिक्लाइंस बिकॉज ऑफ द हंटिंग एंड हैबिटेट लॉस कंपाउंडेड बाय देयर स्लो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. बस्टर्ड्स की अगर बात करें, दे आर लार्ज टेरिस्ट्रियल बर्ड्स विच आर लिविंग मेनली इन ड्राई ग्रासलैंड एरियाज, ठीक है, सो वो आते हैं, बट दे हैव स्लो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इसलिए इनके नंबर्स हैव डिक्रीज. द लार्जेस्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड हैज बीन इंक्लूडेड इन द CMS लिस्ट इन द 13th COP. सर्वेज कैरिड आउट बाई डिफरेंट ऑर्थिनोलॉजिस्ट जो कि बर्ड्स को स्टडी करते हैं, ऑल दो नॉट स्ट्रिक्टली कंपेरेबल इन मेथड, सजेस्ट दैट 90% डिक्लाइन इन पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ओवर द पास्ट 5 decades, ठीक है. और उसके बाद वाटर बर्ड्स हैं, वाटर बर्ड्स ने लॉन्ग टर्म डिक्लाइन शो किए हैं, जिसमें कि माइग्रेटरी शो बर्ड्स, गर्ल्स एंड टर्न्स, दे आर देयर, ठीक है. उसके बाद और भी जो वाटर बर्ड्स हैं, दे हैव शोन क्लियरली डिक्लाइंस. रेजिडेंट वाटर बर्ड्स हैं वो ज़्यादा सिवियर डिक्लाइंस हैं उनमें, और जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं दे शो स्टीपर डिक्लाइंस इन द रेजिडेंस, चाहे वो जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ है लॉन्ग डिस्टेंस हो या विद इन सब कॉन्टिनेंट हो, उनके भी स्टीपर डिक्लाइंस है. सो ओवरऑल वाटर बर्ड्स हैव ऑल्सो शोन डिक्लाइंस, ठीक है. सो दिस इज़ अ पॉइंट है बस्टर्ड्स के बारे में. लास्ट टेरेस्ट्रियल बर्ड्स हैं ये. इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जो लेसर फ्लोरिकन है वो इंडेंजर्ड है, ठीक है. सो हर एक का IUCN स्टेटस अलग रहता है इसका भी, ठीक है. दिस इज हाउ बंगाल फ्लोरिकन लुक्स एंड दिस इज हाउ द लेसर फ्लोरिकन लुक्स. सो लेसर फ्लोरिकन का जो स्टेटस है वो स्लाइटली बेटर है. देन ये फ्यूचर ऑफ अर्थ रिपोर्ट. सो अभी ये जो फ्यूचर ऑफ अर्थ रिपोर्ट है ये किसने रिलीज़ की है, साउथ एशिया फ्यूचर अर्थ रीजनल ऑफिस, डिवेशा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, दे हैव रिलीज़ दिस रिपोर्ट, ठीक है. अब ये जो रिपोर्ट है, इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड विद द एम ऑफ रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट एंड हॉल्टिंग ग्लोबल वार्मिंग बिलो 200 degrees Celsius बाई 2050. कैन यू एक्चुअली बिलीव के पहले हम बात करते थे कि 2100 तक हमें 2 degrees Celsius से कम लेना है, और वो भी हम एक और एम्बिशियस टारगेट था हमारा कि 1.5 डिग्री से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग ना हो, है ना, रुक जाए टेम्परेचर राइज. अब हम पहुंच गए हैं, फिर 2 डिग्री सेल्सियस हुआ बाय 2100, अब हम पहुंच गए हैं 2050 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. 5 ग्लोबल रिस्क बताती है ये रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है. क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम वेदर, बायोडाइवर्सिटी लॉस, फूड क्राइसिस एंड वाटर क्राइसिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये बताती है कि रिस्क फैक्टर्स हैं, इनका इंटर रिलेशन है, ठीक है, ये इंटरैक्ट करते हैं आपस में, एंड द रिपोर्ट इज ऑफरिंग एग्जाम्पल्स ऑन हाउ द इंटर रिलेशन ऑफ रिस्क फैक्टर्स प्ले अ रोल, ठीक है. एक्सट्रीम हीट वेव्स क्या होगा, उसे ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग से जो स्टोर्ड कार्बन है
इफेक्टेड इकोसिस्टम्स में वो रिलीज होगी, ठीक है, एट द सेम टाइम इंटेंसिफाई वाटर क्राइसिस एंड फूड स्कार्सिटी, राइट, एंड द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो वीकेंस द कैपेसिटी ऑफ द नेचुरल एज वेल एज एग्रीकल्चरल सिस्टम्स टू कोप अप विद द क्लाइमेट एक्सट्रीम्स इंक्रीजिंग आर वल्नरेबिलिटी टू फूड क्राइसिस. सो बेसिकली जितने भी ये फूड जितने भी रिस्क फैक्टर्स है दे आर ऑल इंटर रिलेटेड, ठीक है. इफ यू थिंक अबाउट क्लाइमेट चेंज लीडिंग टू यू नो बायोडाइवर्सिटी लॉस, एंड देन बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब है कि यू नो animals and plants are dying, releasing more carbon dioxide into the atmosphere, again leading to global warming, again leading to or biodiversity loss, theek hai. So it's all in a सर्कल, ठीक है. उसके बाद चैप्टर्स हैं इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर है डाइलिंग डाउन द हीट, ठीक है. अब इसमें बताया गया है कि लास्ट 18 मंथ्स मेजर असेसमेंट बाय IPCC यूनाइटेड US नेशनल क्लाइमेट असेसमेंट एंड इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी बेस्ड प्लेटफॉर्म दे हैव ऑल आर्ग्यूड, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये टाइम इज रनिंग आउट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, ठीक है, कि आप कितना रिड्यूस कर पाओगे, है ना, वो आप यू हैव टू स्टार्ट नाउ, ठीक है. दिस हैज़ इंस्पायर्ड डिक्लेरेशंस ऑफ अ क्लाइमेट क्राइसिस और क्लाइमेट emergencies by different cities, states and governments. Yet during पिछले साल में 2019 कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटमोसफेयर में लेवल है वो 415 से ज़्यादा हो गया है, ठीक है. सो ये डिस्पाइट द फैक्ट दैट एवरी वन इज डिक्लेयरिंग अ क्लाइमेट क्राइसिस बट टाइम इज स्टिल रनिंग आउट, इट्स नॉट इनफ. देन पॉपुलिज्म वर्सेज ग्रास रूट मूवमेंट्स, ठीक है. अब इसमें ये बताया है, ये भी एक चैप्टर है, राइट विंग पॉपुलिज्म अ ब्रीड ऑफ पॉलिटिक्स दैट एक्सप्लॉइट्स पीपल्स फियर्स. सो दिस राइट विंग पॉपुलिज्म है ना विच एक्चुअली जो कि फोकस करता है नेशनलिस्ट टेंडेंसीज के ऊपर टू क्लैम डाउन ऑन बॉर्डर्स, है ना, कि आप लोगों को मत आने दें, इमिग्रेंट्स जो क्लाइमेट की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इमिग्रेंट्स हैं उनको ना आने दें, उनको रिजेक्ट करें. सो दैट इज़ ऑल्सो ऑन द राइज, ठीक है. सो इट लीड्स टू अ डिनाइल ऑफ क्लाइमेट चेंज फैक्ट्स और इम्पैक्ट्स. देन द अनरेवलिंग वेब ऑफ लाइफ, ठीक है. अब इसमें बताया गया है कि 2018 में जो लास्ट मेल वाइट नादरन वाइट राइनो था, इट डाइड एट इट्स केनियन इंक्लोजर, ठीक है. ब्राजीलियन ब्लू पैरट स्पिक्स मेको दे वर डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो वाइट राइनो है ना ये अभी कीनिया में नहीं है, कीनिया में नहीं है, लेकिन और इसके आई थिंक दो जो टू और थ्री वाइट राइनोज आर स्टिल देयर, फीमेल्स ओनली, टू फीमेल वाइट राइनोज आर देयर. सो इट्स नॉट, इट इज स्टिल क्रिटिकली इन डेंजर, नॉट डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट, ये एक्सटिंक्ट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है. तो ये अब काफ़ी ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है ना, एक्सटिंक्ट हो रही है स्पीशीज. सो वी नीड टू थिंक न्यू वेज अबाउट कॉन्जर्वेशन, ठीक है. फूड प्रोडक्शन में स्ट्रेन्स आने वाले हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड अ ग्लोबल पॉपुलेशन बींग ऑन द राइज, ठीक है. उसके बाद फॉल्स न्यूज़ के ऊपर इस पर बात की गई है इस रिपोर्ट में, कि ट्रैवल 6 times फास्टर एंड कैन रीच 100 times मोर पीपल, ठीक है, ऑन द रोल ऑफ मीडिया. देन वी हैव समथिंग नोन एज इंडस्ट्रियलाइजिंग डिस इन्फॉर्मेशन. सो दैट सेज द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द वर्ल्ड इज चेंजिंग. हाफ ऑफ द प्लानट 7.6 बिलियन पीपल आर ऑनलाइन डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई सोशल मीडिया, सर्च इंजिन्स एंड ई कॉमर्स एल्गोरिथम्स, ठीक है. सो दैट इज देयर. सो ये कुछ चीज़ों की बात की गई है. नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक है दैट इज़ रिगार्डिंग इंडियन पैंगोलिन, ठीक है. इंडियन पैंगोलिन पहली बार रेडियो टैग की गई है इंडिया में. सो जो इंडियन पैंगोलिन है ना, इसकी इंडियन पैंगोलिन को बहुत माना जाता है फॉर इट्स स्केल्स, ठीक है, क्योंकि मार्केट्स, चाइनीज मार्केट्स, उनको लगता है कि इनके स्केल्स की काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं. सो इट्स स्केल्ड फॉर इट्स स्केल्स, इट्स ट्रैफिक्ड फॉर इट्स स्केल्स, एंड इट इज़ दी ओनली स्केली मैमल ऑन अर्थ, ठीक है. और 8 स्पीशीज हैं पैंगोलिन की दुनिया में, ठीक है. 2 आर फाउंड इन इंडिया, चाइनीज एंड इंडियन. इंडियन तो नॉर्मली मिल जाती है, चाइनीज आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलती है. इंडियन जो है वो इंडेंजर्ड है, ठीक है, शेड्यूल 1 कैटेगरी में भी आती है, और जो चाइनीज है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. और इसको रेडियो टैग किया गया है जस्ट टू मेक श्योर कि ये मूवमेंट्स को ट्रैक करने के लिए. एट द सेम टाइम इट विल ऑल्सो हेल्प टू अंडरस्टैंड दी हैबिट्स ऑफ दिस रिक्लूसिव नॉकटर्नल एनिमल, ठीक है. इट इन्वॉल्व्स अटैचिंग अ ट्रांसमीटर टू एन एनिमल टू मॉनिटर इट्स मूवमेंट्स, ठीक है, तो मॉनिटर करने के लिए. अब ये जॉइंट प्रोजेक्ट है बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट MP में किया गया है इसको, एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन ट्रस्ट, ठीक है. फर्स्ट टाइम इन MP इट हैज़ बीन रेडियो टैग्ड. और उसके बाद और एनिमल्स की बात करें तो टाइगर्स, लेपर्ड्स को तो टैग किया ही जाता है,
ठीक है. सो दे आर द मोस्ट ट्रैफिक वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन द वर्ल्ड. ठीक है, इसकी वजह से रैपिड रिडक्शन हुआ है पॉपुलेशन में और 50-80% अक्रॉस द जीनस डिक्रीज हुआ है. वर्ल्ड पैंगोलिन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 3rd Saturday इन फेब्रुअरी एंड इट इज़ एन अटेम्प्ट टू रेज अवेयरनेस ऑफ पैंगोलिन्स. ठीक है, तो इस साल 15 February 2020 को सेलिब्रेट किया गया था. उसके बाद लास्ट है हमारा, न्यू स्पीशीज ऑफ अर्बन लिजर्ड हैज़ बीन फाउंड इन गुवाहाटी. ठीक है, इसका नाम है अर्बन बेंट टोट गेको. ठीक है, अब ये इस अर्बन बेंटो डेको है, तो ये जो क्राइटोडेक्टिलस है ये नाम होता है इन लिजर्ड्स का. अर्बिनस मतलब कि अर्बन बेंटो डेको है ये. ठीक है, ये क्राइटोडेक्टिलस गुवाहाटिनियस से डिफरेंट है जो कि 2 साल पहले डिस्कवर की गई थी, गुवाहाटी बेंटोट गेको. ठीक है, सो गुवाहाटी में काफ़ी आपको स्पीशीज़ मिल रहे हैं. और उसके अलावा एक और बेंटोट गेको है जो खासी हिल्स में मिलता है, तो उसका नाम खासी हिनस है. ठीक है, तो पहले मानते थे कि ये सिंगल स्पीशीज़ ही है, लेकिन अब ही पता चला है कि ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है इन स्पीशीज. दीज अर्बन लिजर्ड स्पीशीज़ आर डिफरेंट. सो वी हैव 2 इन गुवाहाटी एंड 1 इन खासी हिल्स ऑफ मेघालय. सो दैट एक्चुअली ऑल्सो रीइन्फोर्सेस द फैक्ट कि बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इन आर नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. राइट, थैंक यू.